हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में देखने वाले हम कक्षा 12वीं का इतिहास का बिल्कुल 100% रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 12वीं का सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ये देख लीजिए, इतिहास हिस्ट्री कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी मुक्त परीक्षा वर्ष 2024 सेट ए आ चुका है आप सभी लोगों का। वीडियो शुरू करने से पहले देख लीजिए, पूरा पेपर है, पूरे पेपर की फोटो है, ठीक है। और ये देख लीजिए, पूरे पेपर की फोटो खींच कर आ गई है, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर भी आ चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये देख लीजिए, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 6 नंबर का है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर जो है ये देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 23 पूरा पेपर आपका पूरा पेपर आ चुका है। इसी वीडियो में बताएंगे, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, पूरा पेपर इसी वीडियो में बताएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर कहां पर मिलेंगे आपको, इसी चैनल पर मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लेनी है, वीडियो को लाइक कर देना। पूरा पेपर इसी वीडियो में बताने वाले हैं, पूरा आपको घर दौड़ा कराना है। 21 फरवरी यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अभी डाउनलोड कर लेना है। वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, पूरा पेपर आ चुका है इसलिए वीडियो को डाउनलोड कर लेना, कभी भी डिलीट हो सकती है। पूरे पेपर के आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों के, पूरे क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, पूरा पेपर इसी वीडियो में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो शुरू करते हैं हम बिना देरी करें। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर सीरियल नंबर ये दिया है आपका, सेट आपका है ए, और यहाँ पर ये दिया है आपका कोड, ठीक है। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा इतिहास का पेपर 21 फरवरी, ठीक है, 2024 कक्षा 12वीं का पेपर। टोटल क्वेश्चन आपके 23 होंगे, टोटल प्रिंटेड पेजेस जो आपके पेज होंगे वो 12 होंगे, समय 3 घंटे का, और पेपर आपका 80 नंबर का आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं निर्देश, ठीक है। तो निर्देश को हम बिना देखे आप जो है देख लीजिए, हम जल्दी से सभी क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख लीजिए सभी निर्देशों को, ठीक है देख लीजिए, सेट ए है आपका, ठीक है, पूरा आपका जो है कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, ठीक है। तो इसके प्रश्न सभी हम देख लेते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक बिना स्किप करे देखना है, सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर का प्रश्न है। पहला है, बंगाल में भू राजस्व संबंधी स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, देख लीजिए, अभी इन सही प्रश्नों के उत्तर आपको जो है हम आपको बता देंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। ये हो जाता है आपका प्रश्न क्रमांक एक आपने देख लिया, अब इन सही प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों वार्षिक परीक्षा 2023-24, ठीक है, इतिहास विषय का जो है सेट ए का सॉल्यूशन, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर, ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प के उत्तर, ठीक है। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7 नंबर का, ठीक है, 1793, ठीक है। दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7 नंबर का, चर्बी वाले कारतूस। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 नंबर का, भारत छोड़ो आंदोलन। पांचवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10 नंबर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 नंबर का, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के सभी उत्तर हो चुके हैं, ठीक है। आपका क्या कर लीजिए, सभी प्रश्नों को जो है नोट कर लीजिए, उनके उत्तर को नोट कर लीजिए। 3 दिन का समय है, 3 दिन का समय है आपके पास, 3 दिन में पूरा पेपर रट लीजिए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरा इसी में से आएगा पेपर। 80 में से 80 अंक आएंगे अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, 80 में से 80 अंक आएंगे अगर आपने इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों को रट लिया, क्योंकि यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है 21 फरवरी को, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक दूसरा ये है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थानों को भरिए, ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सुल्तान जहां बेगम खालिस्तान की शासिका थी, ठीक है। सुल्तान जहां बेगम कहाँ की शासिका थी, आपको रिक्त स्थान में भरना है, ठीक है, कहाँ की थी। इसका आंसर आपको अभी हम बता देंगे, पहले आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, सभी प्रश्नों को देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, अल बिरूनी गजनी के सुल्तान खालिस्तान के साथ भारत आया था। अल बिरूनी जो है गजनी के सुल्तान खालिस्तान के साथ जो है भारत आया था, ठीक है। तीसरा है, कबीर के गुरु का नाम खालिस्तान था, कबीर के गुरु का नाम खालिस्तान था। चौथा क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की संरक्षक देवता खालिस्तान माने जाती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद जो पांचवा प्रश्न है, राजमहल की, ठीक है, पहाड़ियों के आसपास चार रहने वाले लोगों को खालिस्तान कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है बंबई दक्कन में भू राजस्व की खालिस्तान व्यवस्था को लागू किया गया था। सातवां क्वेश्चन है, गोद निषेध नीति का प्रतिपादक खालिस्तान था। चलिए तो अब हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हैं सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति के जो है उत्तर, ठीक है, रिक्त स्थान के उत्तर। पहला है भोपाल, ठीक है, ठीक है, पहले का हो जाएगा भोपाल, ठीक है, भोपाल हो जाएगा पहले का उत्तर। दूसरा है, इसका उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी,
ठीक है। दूसरे का उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी। बिल्कुल पूरे जो है उत्तर को याद कर लेना है, रट लेना है, यही पेपर आपका आने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। तीन दिन का समय है, आराम से जो है पूरा पेपर पढ़ लीजिए, आराम से, पूरा समय है आपके पास, पूरा आ चुका है, गर्दा उड़ा कराना है आपको, ठीक है। 80 में से 80 नंबर लेकर आने हैं आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, क्योंकि आपकी जो है राजनीति का पेपर रह गया है वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा, यहीं आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इसके बाद तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामानंद, आपको जो है बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विरूपाक्ष, ठीक है। चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विरूपाक्ष। उसके बाद पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहाड़ियाँ, ठीक है। और छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रैयत वाड़ी, ठीक है। इसके बाद सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, इसके उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है। तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 3 जो है, सही जोड़ी मिलाइए, प्रश्न क्रमांक 3 है, 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, पहला है पंच महाव्रत, दूसरा जो क्वेश्चन है विनय पटिक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विनय पटिक। तीसरा है भगवद्रीता, ठीक है। फिर इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन है सिद्धार्थ, पांचवा है इब्न बतूता, ठीक है। और छठवां क्वेश्चन है बर्नियर, ठीक है। तो आप देख लीजिए पूरा प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है। अब हम इनकी जो है सही जोड़ी को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, ठीक है। पहले का आ जाएगा आपका जैन धर्म से, ठीक है। दूसरे का आ जाएगा आपका बुद्ध की शिक्षाएं से, ठीक है। तीसरे का आ जाएगा आपका वैष्णव धर्म से, ठीक है। चौथे का आ जाएगा आपका महावीर स्वामी के पिता, ठीक है। पांचवे का आ जाएगा आपका रेहला, ठीक है। और छठवे का हो जाएगा आपका ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके उत्तर, ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या वाक्य में आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है। पहला है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई हड़प्पा सभ्यता की खोज। दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता जो है पुरा स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का पुरा स्थल कालीबंगा किस नदी के तट पर जो है स्थित है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम आपको लिखना है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर अभी आपको 2 मिनट में बताने वाले हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए। पांचवा प्रश्न है महात्मा बुद्ध के सच्चे ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है। जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति है उसकी घटना को क्या कहा गया है, इसका आंसर आपको बताना है। छठवां प्रश्न है अल बिरूनी का जो वास्तविक नाम क्या था वो आपको बताना है। असली नाम क्या था अल बिरूनी का, ये आपको बताना है। तो चलिए अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर, ठीक है। तो ये एक शब्द के आपके उत्तर हैं। पहले का हो जाएगा 1921 ईस्वी, ठीक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्राचीन सरस्वती नदी उत्तर हो जाएगा। फिर तीसरे का उत्तर हो जाएगा चाणक्य, ठीक है। देख लीजिए सभी प्रश्न, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 24, ठीक है। 24 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संबोधि, बिल्कुल अच्छे से आपको रट लेना है, ठीक है। फिर छठवां क्वेश्चन अबू रिहान, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 4 के जो है सभी क्वेश्चनों के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 5 है सत्य का चयन कीजिए, ठीक है। सत्य की पहचान कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए। पहला है अल बिरूनी यूनानी भाषा का एक महान विद्वान था। क्या ये सत्य है या असत्य, ये आपको जो है अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। पहले सभी प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है मुगल सम्राट बाबर पितृ पक्ष से चंगेज खां का वंशज था। जो मुगल सम्राट बाबर था वो पितृ पक्ष से जो है चंगेज खान का वंशज था। तो ये कथन आपका सत्य है या असत्य, अभी आपको जो है पता चल जाएगा। मुगल काल में पाही काश्तकार किसान जिस गांव में रहते थे उसी गांव में खेती करते थे। चौथा प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में पेरिस में आयोजित किया गया, ठीक है। पांचवा प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। और छठवां प्रश्न है भारतीय संविधान दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य सूत्रबद्ध किया गया था।
ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके सभी सत्य असत्य। अब हम देख लेते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 सत्य असत्य के जो है उत्तर, पहले का हो जाएगा असत्य, दूसरे का हो जाएगा असत्य, तीसरे का हो जाएगा असत्य, ठीक है, चौथे का हो जाएगा असत्य, पांचवे का भी हो जाएगा असत्य, सभी कथन आपके असत्य हैं। अब छठवां क्वेश्चन का जो है और देख लेते हैं आंसर, ठीक है, छठवें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है, छठवें क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोस्तों, जो छठवें क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, इसका भी आंसर जो है असत्य हो जाएगा। ऑल टू ऑल सभी असत्य हैं, सभी क्या है आपके असत्य। तो दोस्तों इसमें जो है देख लीजिए, जो आंसर है वो सभी असत्य हैं, बट लेकिन जो पहला है, ठीक है, अलबरूनी यूनानी भाषा का एक महान विद्वान था, ये शायद जो है सत्य है, इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन एक जगह पर जो है कुछ और आंसर था, तो मतलब ये हमें असत्य लग रहा था, लेकिन ये सत्य भी हो सकता है, इसलिए आप इसकी जो है एक बार देख लें, ठीक है, सर्च करके देख लें, या फिर जो है आप टीचर लोग से किसी से पूछ लें, ठीक है। और जो है चौथा क्वेश्चन और जो है पांचवा क्वेश्चन, पहला चौथा पांचवा, ये आप लोग कंफर्म कर लें, क्योंकि इनमें जो है हमें कंफर्म नहीं है कि इनके आंसर असत्य हैं, ठीक है, आप इनकी जो है एक बार देख लें, पूछ लें किसी से, ठीक है, बाकी हमारे हिसाब से जो है ये शायद असत्य हैं, बट आप कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो आप लोग इसका देख लें, ठीक है। बाकी अब क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 हम बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक सभी प्रश्न आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, अब अगली वीडियो आप कैसे देखेंगे, तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर ले, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर ले, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करने से क्या होगा, जैसे ही प्रश्न क्रमांक 6 से हम सभी प्रश्नों की वीडियो बनाएंगे, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करने से क्या होगा, जैसे ही हम प्रश्न क्रमांक 6 से आपको जो है कल तक वीडियो बना देंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, और आप लोग जो है पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपकी मेहनत कर रहे हैं, पूरा पेपर आपको बता रहे हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है, मेहनत हम भी कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, और शेयर करना है, अपने दोस्तों को भी हेल्प करें, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।